दतिया में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की प्रांतीय बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में कर्मचारी संघ के प्रदेश भर के पदाधिकारी उपस्थित रहे। ये बैठक 3 सत्रों में चली। आखिरी सत्र में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी पहुंचे। इस दौरान गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि आप सबको निमंत्रण है, हम सब बैठकर समस्याओं पर विचार विमर्श करेंगे और मुख्यमंत्री के समक्ष रखकर समस्याओं के निराकरण की पहल करेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कर्मचारी बंधुआ ने शॉल श्रीफल से सम्मान किया। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राज्य कर्मचारी संघ द्वारा छापी गई पुस्तक का विमोचन किया। आखिरी सत्र में प्रांतीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग सहित तमाम समस्याओं को मंच द्वारा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कर्मचारी बंधुआ ने शॉल श्रीफल से सम्मान किया। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राज्य कर्मचारी संघ द्वारा छापी गई पुस्तक का विमोचन किया। आखिरी सत्र में प्रांतीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग की, साथ ही तमाम समस्याओं को मंच द्वारा गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समक्ष रखा और कहा कि आप जहां सरकार के संकट मोचक हैं, वहीं कर्मचारियों की समस्याओं के भी संकट मोचक हैं। गृह मंत्री कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कहा कि आप सबको निमंत्रण है, हम सब बैठकर समस्याओं पर विचार विमर्श करेंगे, किसी भी भटकाव में नहीं आना है। गृह मंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जैसे कभी कसेली हांडी में चावल नहीं पकते, वैसे ही कांग्रेस की हांडी है। कर्मचारी कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों को परख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी राज्यों के लिए नहीं पूरे देश की सेवा के लिए चुनाव लड़ती है। तो देखो एक बात ध्यान रखना, आप सब लोग किसी बात से नाराज होकर ऐसा ना हो कि गलत व्यक्तियों को छोड़ लें। ये सामने जो लोग हैं ये आपके जाने पर ये दिग्विजय सिंह हो और चाहे कमलनाथ, ये दोनों व्यक्ति आपके देखने वाले हैं। इनका नाम तो प्रदेश से लगाओ, 10 साल इनका शासन दे दिया, 15 महीने इनका दे दिया, हमारी बहन जब भैया वाले चावल बनाती है तो एक दो चावल को इनके 15 महीने के कार्यकाल में एक तो चावल दे दो आप, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम। इनका कोई भी काम नहीं है प्रदेश के ना जनता से ना किसी बात से। हम आत्मीयता से आपसे बात कर रहे हैं, मन से बात कर रहे हैं। ये सरकार आपके हितों को सामने रखे, आपके हितों को ध्यान में रखे सारी की सारी दुनिया बनाएगी। आप पधारो, मैं आज ही आपके घर से आया हूँ। देखिए हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी और माननीय मंत्री जी ने आकर इस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में कर्मचारियों की बातों को सुना और समझा। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमारे कर्मचारी जगत के लिए समय निकाला। माननीय मंत्री जी को सब बातें पता हैं, हमने माननीय मंत्री जी के सामने कुछ तथ्य रखे हैं। मंत्री जी ने हमें कहा है कि आप आइए भोपाल में और हम बैठ के बात करते हैं। निश्चित ही जो मंत्री जी की भूमिका है मध्य प्रदेश सरकार में और जिस प्रकार से अभी तक उन्होंने कर्मचारी संगठनों के बीच में जिस तरह से समन्वय का काम किया है, सेतु का काम किया है, कर्मचारी जगत को बहुत कुछ मिला है। और मुझे आज के इस बैठक से एक अमृत का रूपी नरोत्तम जी मिले हैं कि उन्होंने कहा है कि आप आइए बैठेंगे और बैठ के बातचीत करेंगे और आगे का रास्ता निकालेंगे। मैं मानता हूँ कि आज की बैठक हमारी सार्थक रही और मंत्री जी का आना, कर्मचारियों से संवाद करना और हम लोगों को बोला है कि हम बैठ के चर्चा करना, ये हमारी सफलता है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।